हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति। और कैसे हैं आप सब? यहाँ मैं किचन में चाय बनाने आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है बताना ज़रूर। अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो मेरी पूजा का भी टाइम हो गया है, तो मैं अभी पूजा कर लूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी बारिश हो रही है इस वजह से वोल्टेज काफ़ी डाउन है और मैं यहाँ बाहर में दिया जलाने जा रही हूँ। दरवाजे पे मैं एक दिया बाहर में रखती हूँ और मेरी चाय भी हो ही गई। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए चिप्स और साबूदाना का पापड़ फ्राई कर लूँगी, उसे ये काफ़ी पसंद है। यहाँ मेरा बेटा देखने आया है कि उसका फेवरेट चीज़ बना या नहीं बना। वो पूछ रहा है कि अब हो गया कि नहीं हुआ, उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। मैंने उससे कहा कि अभी तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ, पर उसे वेट ही नहीं हो रहा है। वैसे मुझे भी फ्राइड चीज़ काफ़ी पसंद है, लेकिन हेल्थ को देखते हुए मैं इसे ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ और इसे मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। लेकिन अपने बेटे की फरमाइश की वजह से मैं इसे बना रही हूँ शाम के स्नैक्स के लिए, और कभी कभी तो चलता ही है। चिप्स और पापड़ तो फ्राई हो चुके हैं और मैंने चाय भी छान ली है। और ये हमारा इवनिंग स्नैक्स रेडी है। मेरा बेटा काफ़ी खुश हो गया है इसे देखकर। वो पापड़ को लेकर ही खेल रहा है। मैं अपने बेटे से कह रही हूँ कि इसे खाकर अब उसे होमवर्क करना है, तो कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी होमवर्क नहीं करना है, अभी मैं टीवी देखूँगा, ये कह रहा है। मैं उससे प्यार करके समझा रही हूँ कि अभी होमवर्क करना है तुम्हें। मैंने उससे एक चिप्स मांगा तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो एक दिया। और यहाँ हमारा चाय भी हो गया है, अब मैं इसे यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अभी कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि घर पर वो रेगुलर पढ़ाई करे। बच्चों पर ज़रा सा ध्यान ना दो तो वो लेज़ी हो जाते हैं, इसलिए मुझे उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और जब तक मैं उसके पास बैठी रहती हूँ तभी तक वो होमवर्क करता है, उसके पहले वो नहीं करेगा। अगर मैं ना देखूं तो होमवर्क नहीं करेगा। और अब मैं रात की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने के लिए उसे सुधारने लेकर आई हूँ, और साथ में रौनक के ऊपर भी मैं ध्यान दे रही हूँ कि वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसने देखा कि मम्मा ध्यान नहीं दे रही है तो बस वो लेट गया है होमवर्क नहीं करना है करके, और मैं वही उसे डांट रही हूँ कि तुम अभी कर लो नहीं तो मैम डांटेगी। और उसकी बदमाशी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है।
बड़ी मुश्किल से फिर से बैठ कर वो लिखने के लिए रेडी हुआ है। और यहाँ मैं अपनी सब्जी सुधार लूँगी। वैसे मैं पम्पकिन की सब्जी काफ़ी सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। ये सब्जी मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के यहाँ ही खाएंगे बोल रहे थे, इस वजह से मैं उनके लिए नहीं बना रही हूँ। और दोपहर में मैंने आटा गूँथा हुआ था, इस वजह से आटा भी मुझे नहीं गूँथना है। यहाँ मैं मेथी और मिर्च से इसे फ्राई कर लूँगी पम्पकिन को। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है काफ़ी सिंपल तरीके से। मुझे इसी तरह से पम्पकिन की सब्जी सिंपल अच्छी लगती है। और इसमें मैंने आलू ऐड नहीं किया है क्योंकि आलू मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इवनिंग रूटीन। आप लोगों को मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.